कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि राहा आमच्या सोबत। पादूर येथे दिव्य कुराण आणि विज्ञान प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद। शहरात तुबा एज्युकेशन सोसायटी व खिदमत फाउंडेशनच्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने पातूर नगर परिषदच्या मौलाना अबुल कलाम आझाद संस्कृती सभागृहात दिव्य कुराण परिचय आणि आधुनिक विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन 2 दिवस सोमवार आणि मंगळवार करण्यात आले होते। या प्रदर्शनीचे उद्घाटन पातूरचे तहसीलदार डॉ रामेश्वर पुरी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी पातूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक विजय महल्ले, सुप्रसिद्ध हाडांचे डॉक्टर रहमान खान, सिन्हा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर व्ही एन जायडे, शंकरराव बोत्रे, जयसिंग जाधव, भीमराव कोथळकर, शंकरराव नाभरे, सचिन ढोणे, पत्रकार देवानंद गहिले, बाळूभाऊ बगाळे, रामराव तिमांडे महाराज, पत्रकार छोटूभाऊ काळपांडे, डॉक्टर वसीम, ॲडव्होकेट संतोष मानमोडे, ॲडव्होकेट अजमल अली काझी, ॲडव्होकेट सौ भारतीताई देशमुख पातूर, न प माजी अध्यक्ष हिदायत खान आदी मान्यवर यांची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी मुफ्ती रोशन कासिम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाची सुरुवात तिलावते कुराणच्या पठणाने करण्यात आली। त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांचे दोन्ही संस्थेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले। या प्रसंगी पातूरचे तहसीलदार डॉक्टर रामेश्वर पुरी, पोलीस उपनिरीक्षक विजय महल्ले यांनी मनोगत व्यक्त केले आणि या कार्यक्रमाचे कौतुक केले। कार्यक्रमाला माजी नप अध्यक्ष मस्तान कमन शाह, फरहान अमीन, मेहताब पहलवान, ताज अतहर, प्रासी पी शेकोवाले, दुले खान युसुफ खान, अब्दुल कुदुद्दुस, दैनिक सुफाचे संपादक सज्जत हुसैन, राहिल भाई, धीरज देशमुख, अलहाज युनुस, सर ॲडव्होकेट मोहसिन, ॲडव्होकेट शोएब हयात, जमादार सलीम ठेकेदार, एजाज मेंबर जमाते इस्लामीचे अब्दुल खादिर, सई मुंतजी मुद्दीन करीम सर आदी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नातिक शेख यांनी केले तर आभार डॉक्टर वकार अन्सारी यांनी व्यक्त केले। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक आदाब आप सबके लिए। यहाँ पातूर शहर में 2 दिवसीय दिव्य कुरान और आधुनिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य है कि समाज में इस्लाम धर्म से मुतल्लिक और कुरान से मुतल्लिक और मुस्लिम समाज से मुतल्लिक जितनी भी गैर समझ है, गलत फहमियाँ हैं, उनको हटाया जाए। और हर ज़माने में ऐसा हुआ है कि अलग अलग ज़माने में अलग अलग चीज़ों का प्रभाव बहुत रहा है। पहले एक युग था जिस युग के अंदर में पहले जादू और चमत्कार का बहुत दूर था, सारे लोग उस पर बिलीव करते थे। आज का युग विज्ञान का युग है, तो इस विज्ञान के आधुनिक विज्ञान के माध्यम से सारे के सारे समाज को एक पैगाम देना है कि जो कुरान ऐसा समझा जाता है कि ये मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरी मानव जाति के लिए है। और इस कार्यक्रम के जरिए से हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाम के तरफ से ग्रंथ लिया है उसको हटाया जाए और पूरे देश में और हमारे गांव में और हमारे राज्य में एक प्रेम का, बंधुत्व का और एक सद्भावना का मैसेज दिया जाए, संदेश दिया जाए। इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार के साथ और अपने मित्र मंडल के साथ, अपने स्कूल के स्टाफ के साथ, कॉलेज के स्टाफ के साथ इस प्रदर्शनी को ज़रूर विजिट कीजिए और इसका लाभ उठाइए। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक है, कभी भी आप आ सकते हैं। आयोजित करने का लेना है, फार महत्व का कार्यक्रम है। ती प्रदर्शनी जे आयोजित केली त्यात सर्व कुराणाचं ज्ञान आपणाला प्राप्त होतं। कुराणमध्ये काय सांगितलं, आपण वागावं कसं, हे ज्ञान नाही कुराणमध्ये दिलेलं आहे। मनुष्याने मानवता धर्मानं कसं चालावं हे संपूर्ण ज्ञान या कुराणमध्ये आपण प्रदर्शनीमधून सर्वांना रूपांतरित आलेलं आहे, सर्वांना कळलेलं आहे। वाचण्यापेक्षा आपण 1 तासामध्ये जे प्रदर्शनी बघितली त्याचं सर्व आपल्या जीवनात कसं उतरवावं, आपल्या जीवनात कसं वागावं हे सर्व सांगितलेलं आहे। वास्तुप्रकार धर्म हे सर्वांचा एकच धर्म आहे। धर्म माणूस कशी म्हणती, माणूस की न्यायावरी शोधीची, न्याय हा कोणाच्याही प्रति एकची राहतो सर्वदा। धर्म सर्वांचा एक आहे। संत तुकडोजी महाराजांनी म्हटलेलं आहे की अल्लाह का जो स्वरूप है वही ओंकार का रूप है, दोनों का मतलब एक है, सेवा और इस्लाम है। से संत सर्व संतांनी एकच ज्ञान सांगितलं आहे, परंतु अज्ञानामुळे आपण
वेगवेगळे समजतो. जेव्हा आपल्याला प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या धर्माचं ज्ञान कळेल तेव्हा कुणी कुणाचा द्वेष मत्सर करणार नाही. आणि हे प्रदर्शनी अशी सर्व नेहमी घेण्यात यावं. या कुराणातील सर्व ज्ञान जे आहे ते सर्व साधू संतांनी सर्व जगाला दिलेलं आहे. आणि म्हणून आजचा जो कार्यक्रम फार हा महत्वाचा आहे, असाच कार्यक्रम घेण्यात नेहमी यावं. मी माझे दोन शब्द समाप्त. कॉमन न्यूज साठी जिल्हा प्रतिनिधी निलेश किरतकर, अकोला.